अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि डिब्बे वाला दूध इंसान के लिए जहर कातिल की हैसियत रखता है? मस्नूई दूध आखिर किन अज्जा के मुरक्कब से बनता है और जब ये दूध किसी इंसान के मैदे में पहुंचता है तो किन किन बीमारियों को जन्म देता है? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि मस्नूई दूध मासूम बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो हकायक पर मबनी इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस कातिल जहर से बच सके। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, कुदरत ने दूध की सूरत में इंसान को एक बेशबहा कीमत से नवाजा है। पैदा होने वाले हर बच्चे को ग़िज़ा के तौर पर माँ का दूध पिलाया जाता है और डॉक्टर्स भी इस बात की तलकीन करते हैं। एक हालिया तहकीक के बाद ये इंकिशाफ सामने आया कि अगर पैदा होने वाला बच्चा लड़का हो तो माँ के दूध में 35% इजाफी कुदरती जुज़ शामिल हो जाते हैं, जबकि लड़की के पैदा होने पर उसकी जिस्मानी जरूरत के मुताबिक कुदरती तौर पर माँ के दूध में वो अज्जा शामिल हो जाते हैं जो उसकी नशोनुमा के लिए मौजू होते हैं, और माँ के दूध की तासीर और खसूसियात नौमौलूद बच्चे के लिए इंतहाई कारामद होती हैं। लेकिन हजरत इंसान ने सहूलियात की खातिर दूध को भी डिब्बों में पैक करके सेल करना शुरू कर दिया है, जबकि इसको महफूज बनाने के लिए कई तरह के खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मस्नूई तरीकों से भी डिब्बे वाला दूध बनाया जा रहा है। शायद आप ये बात न जानते हो मगर मस्नूई तरीके से तैयार करदा दूध के हवाले से सेफ्टी सर्वेस की एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि हिफ्जाने सेहत के असूलों पर 41% कंपनी अमल नहीं करती। इस सर्वे के दौरान कई सैंपल्स में एफ्लेटॉक्सिन M1 नामी खतरनाक केमिकल पाया गया जो कि दूध देने वाले जानवरों के जिस्म में अफजाइश पाता है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि जब जानवर प्लास्टिक की अशिया खाते हैं या फिर गंदे जोड़ों और नालों में नहाते हैं तो ये केमिकल उनके जिस्म में बनना शुरू हो जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किए जाने वाले इस सर्वे में ये बात भी सामने आई कि 1.2% सैंपल्स में जानवरों को दी जाने वाली मुख्तलिफ इदवायात के असरात मौजूद थे। ये इदवायात इंसानी जिस्म के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। मस्नूई तरीके से बनने वाले दूध में से 7% ऐसे सैंपल्स भी मिले जो कि पीने के काबिल नहीं थे। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब अगर बात की जाए फ्रेश दूध की तो इस हवाले से भी आए रोज कई वीडियो सामने आती हैं, जिसमें वो शख्स आपको घर की दहलीज पर दूध फराहम करता है। फ्रेश दूध में मिलावट करता हुआ देखा जा सकता है और जो पानी दूध में मिलाया जाता है वो किसी नदी या फिर नाले से लिया जाता है। इसके कई सबूत आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे और मिलावट वाले इस दूध में भी बेशतर किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन चंद बड़ी कंपनीज जैसा कि ओल्पर्स, मिल्क पैक और हलीब इस फील्ड की मानी जानी कंपनीज शुमार की जाती हैं। इनके सेफ्टी मायार काफी उम्दा होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट फूड अथॉरिटी इनकी निगरानी करती है। इन फैक्ट्रीज में दूध को पास्टराइज किया जाता है जिससे दूध की क्वालिटी में कमी नहीं आती और इसमें मौजूद नुकसानदेह जरासीम मर जाते हैं। पास्टराइजेशन उस अमल को कहा जाता है जिसमें दूध को 150 से 300 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है। जहां इस अमल के फवायद हैं, वहीं इसका एक नुकसान यह भी है कि इससे वो बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गन्स मर जाते हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए मुफीद होते हैं, जैसा कि लैक्टिक एसिड जो कि हमारे मैदे के अफाल को दुरुस्त रखने में मुआवन और मददगार होता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि डिब्बे वाला दूध फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसके चंद मराइल हैं। सबसे पहले डेयरी फार्मों से फ्रेश मिल्क इकट्ठा करके फैक्ट्री तक लाया जाता है, जिसके बाद फी लीटर दूध में मौजूद फैट्स और दीगर अज्जा का मुआयना किया जाता है, जिसका मकसद मुतवाजन न्यूट्रिएंट्स की जांच पड़ताल करना होता है। इसके बाद दूध को प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाया जाता है और बड़े बड़े कंटेनर्स में डालकर इसे घुमाया जाता है ताकि फैट्स को अलहदा किया जा सके, जिसके बाद कशीदा करदा इस दूध को पास्टराइज किया जाता है। इस अमल में 15 सेकेंड्स के लिए दूध को 150 से 300 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है। इसके बाद इस दूध को एक कोक कंटेनर में शिफ्ट किया जाता है जहां इसमें विटामिन ए और विटामिन डी मस्नूई तरीके से मिलाए जाते हैं। इन विटामिन्स को मिलाने का मकसद ये होता है कि पास्टराइजेशन के दौरान जो कुदरती और फायदेमंद बैक्टीरियाज मर जाते हैं उनकी कमी को पूरा किया जा सके। इसके बाद इस दूध को मुख्तलिफ साइज के डिब्बों या पाउचेस में पैक कर दिया जाता है और फिर ये दूध फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंच जाता है। इस तरीकेकार के तहत डिब्बे वाला दूध तैयार किया जाता है। शोरा आफाक कंपनी सफाई का खास ख्याल रखती हैं। यही वजह है कि चंद गिनी चुनी कंपनीज के बारे में मायरीन का ख्याल है
कि इन कंपनीज की जानिब से तैयार करदा दूध इंसानी सेहत पर ज्यादा बुरा असर नहीं डालता, ताहम शीरखार बच्चों के लिए यह दूध इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक बच्चे को फीडर से पिलाया जाने वाला अक्सर दूध बच्चे के लिए सेहतमंदी की बजाय बीमारी का सबब बन रहा है। दूसरी बड़ी वजह हमारे यहाँ साफ और शफाफ पानी का ना होना है। साफ और शफाफ पानी इंसानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। बच्चों के लिए इसकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है। घरों में बच्चों की मुनासिब सफाई और सुथराई का न होना भी बच्चों में बीमारियां बढ़ने का सबब बन रहा है। बच्चे की बुनियादी और जरूरी गिजा माँ का दूध समझा जाता है। माँ का दूध एक मुकम्मल गिजा और बीमारियों से हिफाजत और बहाली का बेहतरीन जरिया और हथियार माना जाता है, क्योंकि ऐसे तमाम तर गिजाई अज्जा जिनकी इंसानी जिस्म को जरूरत हो सकती है माँ के जिस्म में वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। इंसानी बदन के लिए माँ के दूध से अच्छी खुराक कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। प्यारे साथियों, भैंस, गाय और बकरी के दूध में अगरचे मतलूबा गिजाई इज्जा तो पाए जाते हैं, लेकिन तनासुब और तवाजुन के लिहाज से मां का दूध ही बेहतरीन साबित होता है। यही वजह है कि तिब्बी माहरीन के मुताबिक ऐसे अफराद जो बचपन में शीरखारी की पूरी मुद्दत में मां का दूध पीते हैं, उनके जिस्म में बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत ज्यादा कारगर साबित होती है। इसलिए जरूरी है कि नौ मौलूद बच्चे को माँ अपना दूध पिलाए। कम अज कम 6 महीने मुतवातर बच्चे को लाजमी दूध पिलाना चाहिए और ये बच्चे का हक भी है। इसी तरह अगर फीडर से दूध पिलाना मजबूरी हो तो हर बार फीडर को तेज गर्म पानी से धोने के बाद बच्चे को दूध पिलाया जाए। ध्यान रहे कि माँ के दूध के अलावा बच्चे को बकरी, गाय या भैंस का दूध ही पिलाया जाना चाहिए। खुश्क और डिब्बों वाला दूध भी बच्चे के मेटाबोलिज्म को बुरी तरह मुतासर करता है। जदीद तिब्बी तहकीकात की रोशनी में हकायक सामने आए हैं कि माँ के दूध में ना सिर्फ मतलूबा गिजाई इज्जा पाए जाते हैं, बल्कि ऐसे मुफीद एंटीबॉडीज भी होते हैं जो बच्चे को बैक्टीरियाज, वायरसेस और जरासीम से फैलने वाली बीमारियों जैसा कि तशन्नुज, काली खांसी, नमूनिया, खुनाक, टाइफाइड, पेचिस, फ्लू, पोलियो और मेदे और आंतों की सोजिश के खतरात से भी महफूज रखते हैं। फी जमाना मंदरजा बाला अमराज के आम होने की एक बड़ी वजह माओ का अपने बच्चों को दूध न पिलाना भी है। नागरिक आजकल की माएं स्मार्टनेस के चक्कर में बच्चों को दूध पिलाने से इनकारी होती हैं। वो ममता के हकीकी तकाजों और जिम्मेदारियों से पहलू तही करते हुए अपने जिगर गोशों को बीमारियों के स्पुर्द कर रही हैं। दूध में पाए जाने वाले गिजाई इज्जा में निशास्ता, चिकनाई, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जस्त, फॉस्फोरस, सोडियम, आयोडीन, रिबोफ्लाविन, विटामिन 12, विटामिन सी और विटामिन डी वगैरह शामिल है। चूंकि नौमौलूद नर्म और नाजुक होते हैं, इनका निजामे हजम कमजोर होता है। यूं कुदरत ने बच्चों के लिए नर्म गिजा ही यानी माँ के दूध का एहतमाम करके नस्ल इंसानी की अफजाइश और नशो नुमा का बेहतरीन बंदोबस्त भी फरमा दिया। बतौर मुतवाजन गिजा दूध का रोजाना इस्तेमाल बच्चे को जरूरी गिजाई इज्जा फ्राहम करता है। बच्चे को जिस्म की नशो नुमा के लिए रोजाना कैल्शियम की मकदार की जरूरत होती है और माँ का दूध इस जरूरत को पूरा करता है। याद रहे कि कैल्शियम हड्डियों की बनावट और मजबूती में मदद करता है। ये आसाबी अफाल, पठों की तामीर और खून के इंजिमाद में बुनियादी किरदार अदा करता है। लिहाजा डिब्बे वाले दूध से सबको ही गुरेज करना चाहिए। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।